भागलपुर में तमाम अवरोधों और जटिलताओं के बावजूद जाति आधारित गन्ना की रिपोर्ट अब हकीकत बन गई है। रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में पहुंच गई है और बिहार पहला राज्य बन गया है जिसने जाति आधारित गन्ना की रिपोर्ट सार्वजनिक की है। अहम बात यह है कि सभी सियासी पार्टियों की आम सहमति के बावजूद सामाजिक के हिस्से के एक वर्ग में इसे लेकर आशंकाएं प्रकट की जा रही थी, लेकिन वह धरातल पर उतर गई है। हालांकि अभी इसमें कुछ त्रुटियां पाई गई है। इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उसे जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। इसको लेकर भागलपुर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार करते हुए लोगों को मिठाइयां खिलाकर बधाइयां दी है और एक दूसरे के गले मिले। साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा कि पुरानी नीति जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाली बात अब सामने आ गई है। उम्मीद है पूरे भारतवर्ष में भी ऐसी जनगणना होगी जिससे पूरा भारतवर्ष अपने आंकड़े को जान पाएगा। जाति आधारित जनगणना को लेकर दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। और जो भी किसान खेती माननीय जिला अध्यक्ष हम लोग कचहरी चौक जहाँ पे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है और इस चौक को पटेल चौक भी कहते हैं, इसी चौक पे जाति जनगणना का जो आंकड़ा पूरा प्रकाशित किया है बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हम लोग के पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी के द्वारा प्रकाशित हुआ है, उसी के खुशी में बिहार सरकार को बांटने के लिए हम लोग जिला जनता दल की ओर से मिठाई बांट कर मंत्री को खिला रहे हैं और भागलपुर शहरवासियों को भी मिठाई खिलाकर ये उत्साह मना रहे हैं। हम लोग आज नहीं बड़ी हैं और आज ये आंकड़ा हुआ है जिसने भी अति पिछड़ा पिछड़ा दलित महादलित अल्पसंख्यक आर्थिक रूप से सामान्य जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं सब को इसका लाभ मिलेगा और जो पुराना नारा था जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी आंकड़े की बार यह स्पष्ट होगा और ये सबों को लाभ मिलेगा और हमारे बिहार में अब लगातार जो पिछड़े और अति पिछड़े जनगणना को बिहार में सफल करवाया भारतीय जिला प्रवक्ता की रिपोर्ट जारी की।